back to wedding part 2 video guys. I'm very excited for this video. So इस video में मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें जो आपको जाननी चाहिए जब आप लहंगा खरीदने जाते हो और मुझे मेरा ड्रीम लहंगा कैसे मिला. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में एंड फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी अपना लहंगा और डिटेल में बताऊंगी कि मुझे वो लहंगा कैसे मिला एंड कहाँ से मिला, लाइक एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट माई लहंगा एंड यू नो जब आप लहंगा खरीद रहे हो तो. सो गाइज, जो पहली चीज होती है जब आप लहंगा खरीदने जा रहे होते हो तो ऑफकोर्स आप एक बजट फाइनलाइज करते हो अपने माइंड में कि मुझे इतने का लेना है, इतने का लेना है. सो बजट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ताकि आप यू नो ज्यादा स्पेंड भी नहीं कर दो. सेकेंड थिंग इज लाइक आप हमेशा अपने माइंड में एक यू नो एक इमेज रखो, लाइक आपको किस टाइप का लहंगा चाहिए. बिकॉज मैं अपना लहंगा खरीदने से पहले यू नो मैंने काफी पेजेस फॉलो कर रखे थे सब्यसाची के एंड यू नो पिंटरेस्ट पे भी मैं काफी सारे लहंगे देख रही थी. बट मेरा पर्सनल फेवरेट था कि मुझे कुछ ऐसा यू नो सब्यसाची पैटर्न में ही लहंगा चाहिए था, मेरे माइंड में चल रहा था. थर्ड कि आप कलर भी अपने माइंड में फाइनलाइज करके रखो, लाइक मुझे पेस्टल कलर में ही चाहिए था, लाइक आई डिडंट वांटेड इट डार्क कलर, मुझे डार्क कलर में लहंगा चाहिए ही नहीं था. तो कलर भी फाइनलाइज रखो. नाउ द लास्ट वन इज कि जब आप लहंगा खरीद रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो शॉपकीपर बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं मैडम ये ले लो, ये भी अच्छा लग रहा है, ये तो ले ही लो, कहीं नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट. सो आप उस प्रेशर से बचो. अगर आपको कहीं लगता है किसी भी शॉप में कि शॉपकीपर ज्यादा प्रेशर बना रहा है एंड आपको नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी आप उस प्रेशर में ले रहे हो, तो ऐसा मत करो. बिकॉज यू नो लहंगा ऐसी चीज है कि आप एक टाइम पे एक बार पैसा लगा देते हो एंड यू नो फिर आप उसको एटलीस्ट मन से तो पहनो, या एटलीस्ट 2-3 बार तो पहनो. बिकॉज आई डोंट बिलीव कि आप एक बार पहन के दोबारा नहीं पहनो. सो इफ यू आर स्पेंडिंग मनी, अगर उस चीज में अपना पैसा लगा रहे हो, तो यू नीड टू लव दैट थिंग. लाइक आपको एकदम ऐसा अपने लहंगे को देख के लगना चाहिए कि हाँ दिस इज माई परफेक्ट लहंगा. सो ये सारी की पॉइंट्स अपने दिमाग में हमेशा रखना जब भी आप लहंगा खरीदने जा रहे हो, चाहे आप सदर मार्केट से खरीदो या चांदनी चौक से खरीदो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. और अब मैं बात करती हूँ अपने लहंगे की. सो इस टाइटल और यू नो इवन थंबनेल से आप सोच रहे होंगे कि लाइक मैं सब्यसाची का लहंगा क्यों बोल रही हूँ. सो एक्चुअली जब मुझे अपना लहंगा लेना था एंड काफी टाइम बाद मैं लहंगा खरीदी हूँ, लाइक लास्ट मैंने बुआ की शादी में लहंगा खरीदा था. सो उसके बाद मैं अभी खरीद रही थी. तो मैं लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ सब्यसाची लहंगा एंड मुझे उसी टाइप का कुछ वर्क डिजाइन में लहंगा चाहिए था. एंड मैं उनके इंस्टाग्राम को काफी टाइम से फॉलो कर रही थी, लाइक यू नो उनके लहंगा के उनके लहंगे के जो पैटर्न होते हैं. बट एक चीज मुझे चाहिए था कि मुझे पेस्टल कलर का ही लहंगा चाहिए था. बिकॉज आई थिंक अगर आप किसी की वेडिंग अटेंड कर रहे हो तो पेस्टल कलर का लहंगा यू नो लड़कियों पे काफी सुंदर लगता है, रदर लाइक डार्क कलर्स के लहंगे. एंड थोड़ा सा पेस्टल पर स्टैंड आउट भी करता है बिकॉज ऑलरेडी यू नो ब्राइड वगैरह डार्क कलर पहन रही होती है, तो यू नो वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता है. सो या एक्चुअली ये मैंने लहंगा का फोटो मैंने देखा था उनकी इंस्टाग्राम पेज पे, आप भी जाके चेक कर सकते हैं. तो 2-3 लहंगे मेरे डिजाइन मतलब माइंड में थे. सो दीपमाला के 2 स्टोर्स हैं सदर मार्केट में, एक मार्केट के अंदर की साइड है और एक मार्केट के रोड के साइड है. सो जो मैं मार्केट के अंदर के साइड गई वहां भी मैंने काफी सारे लहंगे देखे, पर मुझे वो उतने पसंद नहीं आए थे, लाइक पसंद आए थे बट उतने नहीं आए थे. फिर मैं मार्केट के जो मेन रोड पे है वहां जाके मैंने लहंगा देखा एंड जब उन्होंने मुझे ये लहंगा दिखाया एंड लिटरली मतलब मेरे दिमाग में वही एकदम वो किया कि ये तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर है सब्यसाची के लहंगा से. एंड उसी टाइम आई वाज लाइक नो आई एम बाइंग दिस, मैं ये खरीद रही हूँ. सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा और बताती हूँ कि एक्चुअली बस क्या डिफरेंस है दोनों लहंगे में. ऑफकोर्स वो सब्यसाची का ओरिजिनल लहंगा है तो वो ज्यादा कॉस्टली होगा, ये नहीं है तो ऑफकोर्स उसका कॉस्ट कम होगा. बट दिस लहंगा इज वर्थ लाइक बाइंग. और ये लहंगा ऐसा है कि आपकी अगर खुद की इंगेजमेंट है या रिसेप्शन है आप उसमें भी पहन सकते हो. सो गाइज ये है उसका ब्लाउज जो कि मैंने स्ट्रिच करवाया था अपनी टेलर आंटी से एंड मैंने इसे फुल स्लीव्स रखा क्योंकि इसके पूरे स्लीव्स में वर्क थे एज यू कैन सी. तो सब्यसाची का जो लहंगा था उसमें डिफरेंस सिर्फ यही था, लाइक एक जो मुझे दिखा यू नो कि जो आप अंदर का मटेरियल देख रहे हो ना ये एक्चुअली सब्यसाची के लहंगे में वो क्रीम कलर का था और इसमें जो ये कपड़ा है साटन का ये लाइक मिंट ग्रीन या पिस्ता ग्रीन कलर का है. सो ये एक डिफरेंस था और हल्का सा इससे की वॉल का डिफरेंस था, अदरवाइज एज सच उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था लाइक इन टर्म्स ऑफ ब्लाउज मटेरियल में बता रही हूँ. अब ये है उसका दुपट्टा.
सो दुपट्टा भी इसका काफी हैवी है लाइक एज कम्पेयर टू लहंगा. नाउ अब सब्यसाची के लहंगे की बात करेंगे तो उसका दुपट्टा जो था वो लहंगे के सेम कलर में था. मुझे स्टोर में भी बहुत सारे उन्होंने लहंगे दिखाए जिसमें यू नो लहंगा का कलर और दुपट्टे का कलर ऑलमोस्ट पूरा सेम था, बट वो मुझे पसंद नहीं आया तो मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए था. सो सब्यसाची का जो दुपट्टा था वो सेम था और पूरे उसके दुपट्टे में वर्क था. इसमें जो वर्क है वो बहुत लाइट वेट है एज कम्पेयर टू द सब्यसाची वन, बट यू नो फॉर द प्राइस इट्स रियली नाइस. जितना प्राइस है इसका एंड सी द डिटेलिंग एवरीथिंग बहुत फाइन डिटेलिंग है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है. अभी मैं आपको एक बार ये लहंगा पहन के दिखाऊंगी तब आपको आइडिया लगेगा कि ये मतलब कैसा है. एंड ये सब जो आप देख रहे हो ये स्टोर वालों ने सब कुछ लगा कर दिया था मुझे फिनिशिंग पे, मुझे कुछ भी ये सब नहीं लगवाना पड़ा था अदर देन ब्लाउज स्टिचिंग के, मैंने कुछ भी नहीं करवाया था. एंड अब ये लहंगा मैं निकाल रही हूँ. गाइस ये लहंगा बहुत ज्यादा हैवी है लाइक लिटरली बहुत हैवी है, मतलब इतना हैवी कि इसको पहन के मैं कार में भी बैठ नहीं पा रही थी, वॉशरूम नहीं जा पा रही थी, लाइक इतना ज्यादा वेट है इस लहंगे में. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि परफेक्ट है ये इंगेजमेंट रिसेप्शन वगैरह के लिए, अगर आपकी इंगेजमेंट है रिसेप्शन है. सो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा का जो ये लोअर पोर्शन जो लहंगा ही हुआ एक्चुअली. सो तो ओनली जो मेजर डिफरेंस है सब्यसाची के लहंगे में और इसमें कि इसका जो कपड़ा है नेट के अंदर वाला लाइक ये कपड़ा फैब्रिक जो है साटिन का वो सब्यसाची में क्रीम कलर का था और इसमें ग्रीन कलर का है. एंड अगेन थोड़ा बहुत तो और डिफरेंस होगा ही बिकॉज अगेन वो सब्यसाची का लहंगा ये मैंने नॉर्मल लिया है, बट उससे ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. एंड फॉर द प्राइस इट्स वर्थ बिकॉज ये ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है. एंड सिर्फ सिमिलर ही लगता, सामने से देखने में ये काफी रिच काफी क्लासी एंड बहुत ज्यादा कॉस्टली लगता है. प्लस इट्स वेरी हैवी लाइक इतना ज्यादा वेट है इस लहंगे का कि आराम से आप यू नो अकेल अपने इंगेजमेंट वगैरह में पहन सकते हो. लाइक बहुत ही ज्यादा सुंदर वर्क है इसका एंड इसका यू कैन सी थ्री पैटर्न वर्क आता है. लाइक यहाँ से यहाँ तक एक वर्क है एंड देन यहाँ से एक वर्क है एंड देन ये वर्क टोटली डिफरेंट है. सो ये सब पूरी फिनिशिंग के साथ मुझे दिया था. नाउ अगेन बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये जो स्टोन्स हैं यू नो पूरा इस पे स्टोन वर्क है विथ थ्रेड वर्क. सो स्टोन्स जो इस पे हैं वो बिल्कुल ही नहीं निकले, मतलब ये काफी ज्यादा मैंने ट्रैवल किया क्योंकि जो वेडिंग थी वो बिहार में थी. सो बिहार से फिर मैं यहाँ इसे मैं बिहार लेकर गई एंड देन वापस लेकर आई. सो मैंने काफी ज्यादा ट्रैवल किया इस लहंगे के साथ इन शॉर्ट. सो कहीं भी स्टोन कुछ नहीं निकला, वो जैसा वैसा ही रहा. तो मैं इस लहंगे को देखने के बाद स्टोर में मैं काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि यू नो ऑलमोस्ट सिमिलर लहंगा लाइक कैसे मुझे मिल सकता है बिकॉज इट वाज लिटरली लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर. तो मैं काफी खुश हो गई थी. देन आई फाइनलाइज कि हाँ मेरी मॉम को भी पसंद आया था कि हम लोग यही लहंगा ले रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज इट वॉज लाइक अ ड्यूप ऑफ सब्यसाची लहंगा, बिकॉज ये वर्थ था यू नो खरीदना. बहुत डिफरेंट है ये एंड बहुत बहुत ही ज्यादा क्लासी लहंगा था ये. सो आपको ऐसे स्टोर्स में भी यू नो अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना बिकॉज एवरीबॉडी वॉन्ट्स लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स को या यू नो लड़कियों को चाहिए होता है कि वो सब्यसाची टाइप लहंगा पहने. सो इवन लाइक अगर आप उतना स्पेंड नहीं करना चाहते हैं लाइक इवन पर्सनली मुझे उतना स्पेंड नहीं करना था. सो अगर अपना स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप फोटोज वगैरह रखें एंड स्टोर्स में थोड़ा ट्राई करें, उनके पास होता है कुछ ना कुछ तो यू नो सिमिलर मिलता जुलता लहंगा उनके पास होता है कम रेंज में लाइक अफोर्डेबल रेंज में जो आपकी बजट में आ जाए. सो यू कैन गो एंड लाइक गेट दैट. ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था जो मैं आपको दिखा रही हूँ. एंड yeah I'm like very very happy with this lehenga and the purchase because like again it feels like I'm wearing a Sabyasachi lehenga. Main usi ka lehenga pehen rahi hu but again maine zyada spend nahi kiya hai so this makes me so happy about this lehenga. So yeah overall it was a great purchase. So abhi main ye lehenga try karungi aur aapko dikhaungi ki pehenne ke baad ye kaisa lagta hai. So yeah. सो गाइज ये है मेरा कंप्लीट लहंगा का लुक. सो पहनने के बाद ये लहंगा कुछ इस टाइप का लगता है एज यू कैन सी. ये दुपट्टा का लेंथ भी काफी काफी ज्यादा यू नो बड़ा है. सो आप इसको आराम से इवन सर के ऊपर भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं. यू कैन सी लाइक मैं इतना टोटल भी ऐसे करके लूँ तो भी इसका लेंथ कम नहीं होता है. एंड ब्लाउज पे भी फुल स्लीव्स पे इसके वर्क है. आप देखिए इसका ब्लाउज का पैटर्न अब आपको कुछ पता चल रहा होगा. ऐसा मैंने क्लिप भी अटैच कर दी है आपको दिखाने के लिए कि पूरा लहंगा दिखता कैसे है इवन क्लोजअप में. एंड ये है पूरा लहंगे का घेर लाइक.
काफी ज्यादा घी रेच लेंगे मैं एंड काफी ज्यादा वेट भी है. सो दिस इज वॉट दिस कम्प्लीट लहंगा लुक्स लाइक.